हेलो व्हाट इज अप गाइस। तो आज ब्लॉगिंग नहीं है, आज सोचा कुछ अलग किया जाए, क्योंकि आज मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है, मतलब कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद खरीदा है। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरा ओस्मो का जो माइक अडेप्टर है वो दिया नहीं जाता, तो उसके लिए अलग से ख़रीदना पड़ता है। तो उसका रेट बहुत ज़्यादा था पहले, तो अभी अचानक कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उसका रेट बहुत कम हो गया, 1000-1500 तक कम हो गया। और एक्चुअली उसको परचेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था पहले। एक्चुअली मैंने परचेज एक बार किया था लेकिन हुआ नहीं, कैंसिल हो गया था ऑर्डर, जो नहीं मिला मेरे को। तो अभी रिसेंट मैंने कुछ 20 डेज शायद हो गया, 20 या वन मंथ, लगभग वन मंथ हो गया मैंने उसको ऑर्डर किया और वो आ गया। तो दिखाते हो आपको, वो साइनोवा का प्रोडक्ट है जो DJI शायद रिकमेंड करता है बहुत सारा। इंडिया में उतना इसके ऊपर वीडियो नहीं है और इंडिया में लोग भी DJI ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मतलब DJI ओस्मो यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर है DJI ओस्मो, ज़्यादा GoPro वगैरह यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर बाहर यूज़ होता है, जैसे फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर DJI मतलब ओस्मो एक्शन कैम यूज़ होता है। और मैंने उधर बहुत सारा एक्सेसरीज देखा, पर वो तो मंगवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका साइट वगैरह में लॉगिन वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ये भी बहुत मुश्किल से मंगवाया मैंने, पर ये अमेज़न से मंगवाया, कि ये पहले नहीं था अमेज़न में, रिसेंटली कुछ 6 या साल वगैरह हो रहा है शायद आया है। तो मैंने पहले ट्राई किया, हुआ नहीं। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। अरे भाई निकल जा भैया, अरे हाँ किया, पॉकेट में घुस गया भाई। तो ये है वो साइनोवा ओस्मो एक्शन डुअल 3.5 mm USB-C अडेप्टर। तो इसका रेट लगभग 2999 है और मुझे अभी इसको ऑफ़र में मिला 1000, लगभग 1000 कम में मिला ये। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो ये बॉक्स ऐसा कुछ दिखता है, बहुत कूल दिखता है भाई ब्लैक में, और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है। तो इसका तो जैसे खोलेंगे इसका कुछ ऐसे मैनुअल दिखेगा आपको, इसमें कुछ साइनोवा का जैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं मतलब जो जो इसके अंदर है ऐसा होता है। ऐसे ये माइक्रोफोन पोर्ट है, इधर है, इसको इसको एक एडवांटेज उन्होंने दिया है कि इसको आप खोल के चार्ज नहीं देना पड़ेगा, इसको डायरेक्टली आप इधर से चार्ज पुट कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसको साइड में रखे, अभी इसका काम दाम तो कुछ है नहीं। तो ये है मेन प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे निकालेंगे यार तेरी। तो इसका कुछ पैकेज ऐसा है, इसको ये तो भाई ये, और ये भी हाथ में लग गया, ये भी खोल नहीं रहा है, इसको ऐसा खोला जाता है। चलो मजाक कर रहा हूँ। तो ये है मेन प्रोडक्ट, बहुत छोटा सा है। तो इसका आप देख सकते हो, इधर से आपको 3.5 mm का जैक है और इधर का USB चार्जर है। तो इसको एक तो एडवांटेज है भाई, इसको लगाएंगे तो बार बार खोल के चार्ज में नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इधर से आप चार्ज में पुट कर सकते हैं। और बहुत ही छोटा प्रोडक्ट है, मैंने यूज़ किया इसको, कल यूज़ किया था इसको, लेकिन क्या हुआ था, मेरा जो माइक है मैं बेंगलोर में छोड़ के आ गया भूल के, तो उसको लाना भूल गया। तो एक्चुअली मैंने उसको हेडफोन जैक से कनेक्ट किया था, तो हेडफोन जैक से कनेक्ट करके देखा आवाज़ अच्छा ही आ रहा है उसका अभी। तो जब तक माइक नहीं लगाएंगे भाई तब तक तो पता नहीं लगने वाला क्या है क्या नहीं। तो जो भी है अच्छा है, अभी एटलीस्ट ब्लॉगिंग सेटअप मेरा हो गया, फुल कंप्लीट ब्लॉगिंग सेटअप हुआ अभी। क्योंकि पहले क्या था, अगर बाइक चला रहा था मैं तो उसके लिए नॉइज़ बहुत हो रहा था, ओस्मो बहुत हद तक नॉइज़ रिडक्शन करता है, लेकिन भाई जो भी हो माइक और इनबिल्ड माइक में बहुत डिफरेंस है। तो मैंने बोया का लिया था, तो उससे मैंने किया था लेकिन उसमें कनेक्ट नहीं होता, मैं DSLR से करके देखा था, उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का आवाज़ आता है। बोया M1 था मेरे पास, तो अभी भी है लेकिन वो तो भूल के रख के आ गया, जो दिखा नहीं सकता अभी क्या करा जाए। तो ये बेटर हो गया, अभी फुल सेटअप हुआ मेरे लिए, मेरे को बहुत खुशी आ रहा है कि मैं ठीक है। अभी आवाज़ तो बढ़कर आएगा, क्योंकि बहुत हद से क्या हो रहा था, मैं जब स्पीड में चला रहा था 100-80-90 स्पीड में, तो भाई कैमरा जो बाहर रहता है मिरर बंद रहता है हेलमेट का, तो उसपे उसके थ्रू से आवाज़ बहुत बराबर नहीं जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारा ब्लॉगिंग में मतलब पार्ट कट करना पड़ता था मेरे को। एटलीस्ट अब ये नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही, और मैं इसका वो दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कभी दिखाऊंगा इसका साउंड टेस्टिंग, क्योंकि अभी साउंड टेस्टिंग तो कर नहीं सकते, क्या ही कर सकते, लेकिन एक चीज दिखाता हूं मैं, इसको कैसे लगाया जाता है।
तो ये है मेरा ऑस्मो, इसको क्या करना है, इधर जस्ट ऐसे पुट कर दें, जस्ट हाँ एक आवाज़ आएगा क्लिक करके, बस जस्ट पुट करना है और इधर से आपको चार्ज देना है, इधर से लगाना है, बस माई बिंदास। और ये अभी क्या हुआ था, अभी मैं सॉरी वीडियो शूट करते करते मैंने इसका चार्ज नहीं देखा था एक्चुअली, घर से ऐसे ही उठा के ला लिया था, बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं हुआ तो इस कारण मेरे को चार्ज भी मतलब भूल भी गया चार्ज देना, और अभी चार्ज भी नहीं देखा, तो आके थोड़ा ही किया, इसमें आधा किया शट डाउन हो गया, तो इसके कारण मेरे को मोबाइल से करना पड़ रहा है वीडियो। तो जो भी है मैं ये लगाने के बाद ही एटलीस्ट इधर माइक का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना, ये लगाने के बाद ही माइक का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ये ऑफ है तो दिखा नहीं सकता, मैं नेक्स्ट कभी दिखा दूंगा इसका। तो चलिए भाई आज का वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हंटिंग माइल के साथ।